हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट केशव ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंडियन रेलवे के एक लॉटरी सिस्टम के बारे में जिसका नाम है ऑटो अपग्रेड। दोस्तों, होता क्या है, आपको स्लीपर क्लास में टिकट बुक करनी है, जो स्लीपर के रेट है दोस्तों, जो चार्जेस है वही पे करने हैं, और आपको एसी क्लास में दोस्तों जर्नी करने को मिलेगी। मतलब आपको पैसे तो देने हैं स्लीपर क्लास के, पर आपको सीट मिलेगी थर्ड एसी में। यही होता है ऑटो अपग्रेड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ऑटो अपग्रेड के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि ऑटो अपग्रेड कैसे होता है, आपको कहाँ पर क्या क्लिक करना होगा जिससे आपको ऑटो अपग्रेड लागू होगा, और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी परिस्थितियों में ऑटो अपग्रेड को लागू नहीं करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक का पूरा देखिएगा, और अभी तक भी आपने स्मार्ट केशव ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ऑटो अपग्रेड होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, मतलब आपको टिकट तो बुक करना है स्लीपर क्लास में, पर अगर आप ऑटो अपग्रेड के मार्क को ऑप्शन को क्लिक करते हो तो आपका रेंडमली सीट स्लीपर की जो आपने टिकट बुक की है वो स्लीपर में न देकर एसी में आपको ट्रांसफर कर देंगे या ऑटो अपग्रेड कर देंगे। अब दोस्तों, होता क्या है, ऐसा होता क्यों है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपने कोई टिकट बुक करके रखा है और वो जर्नी टाइम आते आते दोस्तों स्लीपर में तो बहुत सारी वेटिंग हो जाती है टिकट में, फिर थर्ड एसी सेकंड एसी में सीटें खाली रह जाती है, मतलब कि पूरी पूरी सीटें खाली रह जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, रेलवे रेंडमली जो भी स्लीपर की जो भी कंफर्म टिकट है उनको रेंडमली उठाएगा और ऑटो अपग्रेड कर देगा, मतलब अपने ऊपर अपग्रेड कर देगा, स्लीपर से थर्ड एसी में कर देगा या सेकेंड एसी में कर देगा। इससे फायदा क्या होगा रेलवे को, क्योंकि दोस्तों जो एसी की सीटें खाली जा रही थी वो स्लीपर वाले को मिल जाएगी, और जो वेटिंग लिस्ट या आरएसी वाली जो टिकट होगी उनको दोस्तों पूरी पूरी सीट मिल जाएगी। ये रेलवे को फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों अगर वो ऑटो अपग्रेड नहीं करते तो एसी की जो सीटें वो तो बिल्कुल भी खाली जाती और स्लीपर के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका हो जाता। तो रेलवे इससे बचने के लिए ऑटो अपग्रेड का नियम लागू किया था, और ये ऑटो अपग्रेड दोस्तों रेंडमली होता है, ये नहीं कि आपको ऑटो अपग्रेड मिल गया मुझे मिल गया, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी तो ऐसा भी नहीं होता है, मान लीजिए थर्ड एसी सेकेंड एसी में सीटें खाली है फिर भी दोस्तों स्लीपर में भीड़ रहती है, ये एक लक है दोस्तों। आपको करना क्या होगा, आप जैसे ही ऑनलाइन रेलवे का टिकट बुक करते हैं नीचे ही दोस्तों ऑटो अपग्रेडेशन का दोस्तों क्लिक मार्क आएगा, अगर आप उसको चेक मार्क करते हो तभी आपको सीट ऑटो अपग्रेड किया जाएगा, ये अन्यथा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ऑटो अपग्रेड आपको कब चुनना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक सिंगल पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हो तभी आपको ऑटो अपग्रेड चुनना चाहिए, क्योंकि अब मान लीजिए आप फैमिली के साथ जा रहे हो, चार पांच लोग हो और ऑटो अपग्रेड को कर दिया और किसी एक की सीट एसी में चली गई और बाकी की स्लीपर में रह गई, तो इससे आपको दुविधा हो सकती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप ऑटो अपग्रेड को अच्छे से समझे होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्किल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी तक आपने स्मार्ट केशव ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल स्मार्ट केशव ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।